हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स तो मेरे नाल है किरणजीत कौर, डिस्ट्रिक्ट मोगा तो। किरणजीत कौर का अलगोमा यूनिवर्सिटी नाल तो वीज़ा लग के आया तो आ वीज़ा किरणजीत बहुत बहुत मुबारक थोड़ा। तो किरणजीत ने एम एस सी आई टी की हुई है 2018 च, और साढ़े को आने तो पहला इन्हों तीन रिफ्यूजल सगिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैनेडा तो रिफ्यूजल आ गई, एक आ गई, दो आ गई, पता नहीं हूँ वीज़ा लगना कि नहीं लगना। इस तरह किरणजीत भी बहुत डिस्ट्रेस से जो साढ़े को आई, दैन वी अपलाइड फॉर आर एप्लीकेशन इन अलगोमा यूनिवर्सिटी, तो 6.5 नो बैड लैस दैन 6 है। किरण, अपना एक्सपीरियंस दसो, तुम अपनी प्रोफाइल पूरी डिटेल शेयर करो। सर, आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स इन 2018 एंड आफ्टर दैट आई वॉज वर्किंग विद एम आई टी यूनिवर्सिटी एज अ अकैडमिक काउंसलर। तो उस तो पहले सर मेरी तीन रिफ्यूजल सगिया, एच आर एम के प्रोग्राम से एंड सैकेंडली के पी यू के टैक्निकल मैनेजमेंट का प्रोग्राम सगा। तो सर फिर तुम इतने आई, मैं राजविंदर मैडम को मिली तो उन्होंने मैं अलगोमा यूनिवर्सिटी बारे सुजैसट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर मैं जून च अपलाई किया। आफ्टर दैट सर फिर फाइलिंग करते करते आप अक्टूबर च अपनी फाइलिंग लगी सी, तो फैब दे विच सर मेरा वीजा मैं रिसीव हो गया सी। ठीक है, तो मेरे याद है जब तुम कॉल करके दस रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। इवन सर लोग इदा कह रहे थे कि अपना जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है मेरिया पहला वाली फाइल किसी भी ऐड नहीं सीगा, तुहानू मिसरीप्रेजेंटेशन लगेगी कि तुसी हुण अपना वर्क ऐड करता। हाँ जी, मेरे याद है तुसी मैनू पुछा सी वी सर करना जरूरी है कि नहीं करना। हाँ जी सर, तुहानू दो बार कि मैं मिले सी। तो फिर की फर्क नजर आया तुहानू? सर फाइलिंग दे विच बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैनू लग्या हैगा कि इत्थे जिहड़ी फाइलिंग हुंदी आ एवरी स्टेप ते आपां नू गाइडेंस मिलदी आ, बड़ी लाइक क्लीयर वे नाल अपनी फाइल सबमिट हुंदी आ। ठीक है, ते हुण तुहाडा पासपोर्ट स्टैंप लग के आ गया ते इनटेक मेन टेक है? हां जी मेन टेक है सर। ठीक है, ते कदों जाणा फिर हुण? सर 24th of April। 24th of April नू? हां जी। किरणजीत 24th of April नू नाउ शी इज फ्लाइंग टू कैनेडा टू फुलफिल हर ड्रीम्स। जिहड़ा कैनेडा जाण दा इक ड्रीम हुंदा हर एक स्टूडेंट दा, जिहड़ा एस्पायर करदा, द मोमेंट स्टूडेंट पासपोर्ट बना के अपने आइल्स की तैयारी करनी शुरू करता वो ड्रीम उसे दिन तो बन जाता। तो फिर जिहड़ी जर्नी हैगी है टू रीच दैट स्टेज कि जदों तुसीं अपनी फ्लाइट बुक करा के कैनेडा जाना, वो अंदर की जिहड़ी स्ट्रगल हैगी है, हर एक स्टूडेंट की एक डिफरेंट स्ट्रगल हुंदी है। बट सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज स्ट्रगल या जिन्हें भी हार्डवर्क हैगा, अगर अल्टीमेटली अपना काम बन जाता है तो उसके बारे की कोई रीस नहीं हैगी। तो परमात्मा की कृपा नाल किरणजीत दा अज साढ़े को आके साड़ी यूनो एक ये भी होंगे कि जिदे को जाके काम बनना होंगे है, जिन्होंने जस मिलना होंगे वो ला लो, बट असी एक चीज़ के उत्ते फोकस करते हैं कि जी फाइलिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पैशली चाहे मैं किसी भी कंट्री की गल करा बट स्पैशली कैनेडा के बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैनेडा के मैं हमेशा ही मैं कहता रहा कि ऑफर लैटर तो थोड़ी कोई भी मंगा देगा। अज की डेट हर एक नुक्कड़ हर एक छोटे छोटे शहरों के कंसल्टेंट्स बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं, ऑफर लैटर कोई भी मंगा के तुहानू दे देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जिहड़ा थोड़ा कंसल्टेंट है या जिहड़ा थोड़ा वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर है वो एक प्रोसैस में फॉलो करता है कि नहीं करता, क्योंकि आपां अगर ऑनैसटली तरीके जेन्युइन तरीके डॉक्यूमेंटेशन करके फाइलिंग जो रिक्वायरमेंट्स है लावांगे तो पॉजिटिव रिटर्न रिजल्ट आने ही आने हैं। और ये एग्जाम्पल है किरणजीत का वीज़ा। उम्मीद है तुहानू ये वीडियो देख के कोई पॉजिटिविटी मिली होएगी, और हुण जिवें मैं बना रहा डेली बेसिस दी वीडियोज़, कैनेडा दे रिजल्ट बहुत फास्ट है, स्पैशली जदों तो उन्होंने नवे 500 वीज़ा ऑफिसर रखे हैं, हुण तां विदिन मंथ जिहड़ी नवीं फाइल सबमिट हुंदी है उहदा डिसीजन आ जाता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पॉजिटिव नैगेटिव तुहाडी प्रोफाइल ते डिपेंड करदा, बट एटलीस्ट जिहड़ा एक पहले एक लिंबो स्टेज ते स्टूडेंट अटके रहिंदा सी, कदे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 साल साल भी बच्चे लटके हैं पिछे पेंडेमिक दे विच, हुण उह चीज़ नहीं हैगी। तो उम्मीद है तुहानू वीडियो पसंद आई होगी, साडे चैनल नू सबसक्राइब कर लिओ, और अगर तुहाडे पहला रिफ्यूजल्स ने जस्ट गैट इन टच विद अस, असीं अपने वल्लों पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडा भी वीज़ा जिवें इहनां दा निकले उहदा कटा के दईए। तो वेरी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू जी।